हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और गर्मा गर्म वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो एक ऐसे देश की है जहां के लोगों को अफगान के नाम से भी जाना जाता है। तो बने रहें मेरे साथ एक दूसरी दुनिया की सैर करने के लिए। मैं हूँ आपका अपना रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं वो न्यू वर्ल्ड वाइड न्यूज वीकली। तो दोस्तों, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश है और यह दक्षिणी मध्य एशिया में अवस्थित है। ये देश चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। ये पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर में तजाकिस्तान व कजाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन और पश्चिम में ईरान से घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,50,000 वर्ग मीटर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। करेंसी अफगान अफगानी और यहाँ पश्तो, फारसी व धारी भाषा बोली जाती है। अफगानिस्तान कई वर्षों तक यूनाइटेड किंगडम का गुलाम रहा था। अफगानिस्तान ने 3 बारी एंग्लो अफगान युद्ध किया था और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध को जीतकर 19 अगस्त 1919 में यह देश ब्रिटिशर से आजाद हुआ था। इसलिए हर साल 19 अगस्त को इस देश में इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी रहती है। यहाँ की सिर्फ 14% स्त्रियाँ ही पढ़ी लिखी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण स्कूल व कॉलेजों की कमी है और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी कुछ खास नहीं है। दोस्तों, इस देश में 1,00,000 प्रेग्नेंट स्त्रियों में से 1,600 स्त्रियों की डेथ हो जाती है क्योंकि यहाँ बच्चों की डिलीवरी ज्यादातर घर पर ही होती है ड्यू टू अस्पतालों व डॉक्टरों की कमी होने के कारण। दोस्तों, हेल्थ केयर अफगानिस्तान में बहुत घटिया है। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान पर नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण अफगानिस्तान में 78% लोगों के पास स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अफगानिस्तान में 57% शादियों में लड़की 16 साल की उम्र से कम उम्र की होती है और यहाँ एक पुरुष 3-3 शादियाँ कर सकता है पर एक महिला सिर्फ एक ही शादी कर सकती है। नेशनल बोर्ड के मुताबिक 87% अफगानी महिलाओं को दबाव में आकर शादी करनी पड़ती है और उन्हें ना चाहे भी अपने पति के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40% अफगानी महिलाएं अपने पति द्वारा फिजिकल वायलेंस की शिकार होती हैं। हालांकि अब हालातों में कुछ सुधार आया है। 2009 के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने महिलाओं के लिए कई कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं और अब महिलाएं घर छोड़ सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, जमीन खरीद सकती हैं और अपनी रजामंदी से शादी भी कर सकती हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर इसकी राजधानी है जो कि काबुल है। यहाँ लोगों की आय का मेन सोर्स खेती है। ये देश अपने नेचुरल गैस और तेल के भंडार से कई देशों में प्रसिद्ध है। बुचकशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है जिसमें 2 टीमों के खिलाड़ी घोड़े की सवारी करते हुए एक बकरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह खेल अफगानिस्तान में कई शताब्दियों से खेला जा रहा है और यह बहुत कठिन खेल है। अफगानिस्तान की फोन कवरेज 90% है क्योंकि यहाँ के लोग मोबाइल फोन को स्टेटस सिंबल मानते हैं। और दोस्तों, अफगानिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 38.1% ही है। यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी का नाम है हेलमंड नदी और यहाँ के कई आसन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 51.3 साल ही है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धा मूर्ति का निर्माण यही हुआ था लेकिन 2001 में तालिबान ने इस मूर्ति को नष्ट कर दिया था। इस देश में 80% सुन्नी मुस्लिम, 19% शिया मुस्लिम और 1% दूसरे समुदायों के लोग रहते हैं। 2006 से 2013 में अफगानिस्तान में अफीम की खेती में लगभग 300% बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की पहली ऑयल पेंटिंग 650 BC में बामियन गुफाओं के आसपास ही बनाई गई थी। दोस्तों, अफगानिस्तान के हेलमंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म प्रचलित था। कुछ विद्वान इसे सरस्वती नदी का क्षेत्र भी मानते हैं जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। ये देश लैंडलॉक्ड देश है यानी ये देश चारों दिशाओं से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग हाथ मिलाकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कुछ स्पेशल ओकेजन पर दिल पर हाथ रखकर रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ भोजन कपड़े पर परोसा जाता है जो कि अलग अलग मटेरियल का बना होता है
और भोजन फ्लोर पर ही किया जाता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ एस्टिमेटेड 2.6 मिलियन लोग घर छोड़कर फ्यूजी बन गए हैं। इसका बड़ा कारण बेरोजगारी है। यहाँ लड़का लड़की शादी से पहले किसी भी बंदे से आई कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, खासकर रूरल एरियाज में। महिलाओं को यहाँ टाइट क्लोथ्स और वेस्टर्न ड्रेसेस डालने की परमिशन नहीं है। ऐसा करने पर उन्हें सोसाइटी में सेक्सुअल अब्यूजेस सुनने को मिलेंगी और कोई भी इस ड्रेसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। शादी से पहले कोई भी महिला किसी पुरुष के साथ समय नहीं बिता सकती। अफगानिस्तान में शुक्रवार के दिन दुकानें और व्यवसाय बंद रहते हैं ड्यू टू इस्लामिक हॉलीडे। तालिबान ने इस देश पर 5 साल शासन किया था और तिमूर शाह ने इस देश की राजधानी कंधार से बदलकर काबुल घोषित की थी। 1992 से 1996 की सिविल वॉर में इस देश के लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, ये सभी फैक्ट्स थे अफगानिस्तान के बारे में। अगर आप इस तरह ही मजेदार वीडियोस का आनंद उठाना चाहते हैं, लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल वो न्यू को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।